नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। गढ़वा जिला में इस समय क्रिकेट का माहौल बना हुआ है, खास करके गढ़वा शहर में यह माहौल काफी ज्यादा है। कारण है कि यहाँ पर गढ़वा जिला पब्लिक स्कूल समन्वय समिति के द्वारा जो है स्कूलों के बीच एक क्रिकेट प्रतियोगिता कराई जा रही है। आज की जो खबर लेकर आपके सामने आए हुए हैं वह एक बहुत ही खास खबर है, खास इसलिए कि एक ऐसा स्कूल है जो छठी बार जूनियर वर्ग में इस प्रतियोगिता में जीत हासिल किया है। उसी खबर को चर्चा करने के लिए आपके सामने हम आए हुए हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हमें सोशल मीडिया से और जो क्रिकेट के आयोजन समिति के जो लोग हैं उनके द्वारा प्रदान किया गया है, उसी के आधार पर हम इस खबर को समझाने का प्रयास करते हैं। तो इस जो प्रतियोगिता का नाम जो है वह है गढ़वा जिला अंतर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता। 22वीं बार यह प्रतियोगिता हो रही है और इसमें जो है एक स्कूल ऐसा है जिसने छठी बार जो है जूनियर वर्ग में जो है जीत हासिल की है। आइए देखते हैं कि वो स्कूल कौन है, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि कितना मेहनत उन लोगों ने किया होगा। इस तस्वीर को देखिए, आप पहचानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, यह है जवाहर नवोदय विद्यालय। गढ़वा शहर से कुछ ही दूरी पर यह स्थित है, कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रंका रोड में। इसी विद्यालय के जूनियर वर्ग के छात्रों ने जो है वो प्रतियोगिता में छठी बार जो है जीत हासिल की है। अगली तस्वीर पे आते हैं, देखिए यहाँ पर जो है बच्चे जो है ट्रॉफी के साथ हैं। रेड कलर के टी शर्ट में जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं यही जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे हैं। साथ में है ऊपर में गिरनार सिंह यहाँ दिखाई दे रहे हैं फोटो में, आनंद सिन्हा है, धनंजय सिंह है, काफी लोग हैं जो प्रिंस सोनी है, ये सब इनके साथ ये तस्वीर है जो उन्होंने हमें भेजा था। अब बताते हैं कि किन दो विद्यालयों के बीच ये प्रतियोगिता हुई थी जूनियर वर्ग के लिए। तो यह है जवाहर नवोदय विद्यालय और बीपीडीएवी के बीच, जिसमें से जवाहर नवोदय विद्यालय के जूनियर वर्ग के इन छात्रों ने प्रतियोगिता को जीत लिया। काफी ही बधाई के पात्र है क्योंकि एक दो बार नहीं 6 बार जीते हुए हैं। आते हैं अगली तस्वीर पे, समझते हैं। तो कोई भी जब प्रतियोगिता होता है तो खास करके क्रिकेट का जब होता है तो उसमें से एक नाम लोग जानना चाहते हैं, वो है मैन ऑफ द मैच का। तो अभिषेक कुमार गुप्ता जो जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र है उनको इस प्रतियोगिता में मैन ऑफ द मैच मिला और वो भी काफी बधाई के पात्र हैं। हम चाहेंगे तलाश टीवी की ओर से भी कि वो आगे बढ़ते रहें। ठीक है, आते हैं फिर अगली तस्वीर पर। चलिए ये देखिए, ये तस्वीर में इनको देखिए, गिरनार सिंह है और जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र जो है झुक करके उनको प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और ये प्रतियोगिता शुरू होने से पहले की तस्वीर है। ठीक है, अब लास्ट खबर के लास्ट में आते हैं। यहाँ पर हमारे पास तस्वीर में 4 चेहरे हैं, नाम आपको बता दें, यह है प्रिंस सोनी, यह है कमलेश नाम है इनका, यह है आनंद सिन्हा और यह है मदन केसरी। मदन केसरी जो ज्ञान निकेतन स्कूल के प्रिंसिपल हैं और साथ ही साथ इस प्रतियोगिता के लिए जो है वो अध्यक्ष हैं, ये हैं सचिव हैं और बाकी इन दोनों का भी कुछ पद है। चारों लोगों का काफी योगदान रहता है इस पूरे प्रतियोगिता को संपन्न कराने में, हमेशा से ये लगे रहते हैं। मुझे जब तक जहाँ तक याद है, मैं जब से जानता हूँ तब से इन्हीं लोगों को हम देखते हैं कि इस प्रतियोगिता में शामिल रहते हैं और काफी सबको, जैसे समन्वय समिति नाम है उस तरह से मिला करके, समन्वय बना करके लोगों के साथ इस प्रतियोगिता को संपन्न कराते हैं। कुल मिलाकर हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि आप इन बच्चों को जो देख रहे हैं ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और 6-6 बार जीतना इतना आसान नहीं होता है। हर बार स्कूल के लोग, सभी लोग काफी मेहनत करते होंगे, तो एक बार फिर इन सभी बच्चों को मेरी ओर से और तलाश टीवी की ओर से बधाई। और अगर आपको हमारे न्यूज़ देने का ये तरीका पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर किसी खास तरह के न्यूज़ का की समीक्षा आप चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और इस तरह से खबर, अच्छी खबर और समीक्षात्मक खबर देने का आपको हम जरूर प्रयास करेंगे। नमस्कार।